एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मास्टर्स इन करंट अफेयर। मास्टर्स इन करंट अफेयर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिए गुड मॉर्निंग प्रवीण कुमार सहनी, गुड मॉर्निंग भाई सुनंदा, गुड मॉर्निंग प्रिया दर्शनी, गुड मॉर्निंग जनार्दन, विपिन, ऋतुपर्णा, मतलब इतने सारे बच्चे हैं, सबका नाम लेते लेते जो होगा मेरे ख्याल से पूरी क्लास ओवर हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों को एक साथ एकदम कहते हैं ना दंडवत गुड मॉर्निंग आप लोगों को मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए सेशन हम लोग जल्दी शुरू कर लेते हैं। और सेशन स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम लोग की कौन हमारे साथ कौन कौन शामिल हो गया है। इतने बच्चे तो शामिल हो गए हैं, और देखो जो लोग शामिल नहीं हुए हैं ना, ज़रा से काम करो, जल्दी से लिंक उठाओ, शेयर करो और सबको बुला लो कि भैया जल्दी से आ जाओ। ठीक है, बाकी आवाज़ क्लियर पहुंच रही सभी लोगों को, चेहरा मेरा दिख रहा है, मतलब वीडियो क्लियर पहुंच रही है, सब कुछ कोई इशू नहीं है, तो आगे बढ़ें। जल्दी से बताओ भी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लिख दें कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ें। देखो बच्चों ने एकदम अपनी जो शपथ, अपनी जो कसम है, अपनी अपना जो वादा है, सब कुछ जो है आप लोग एकदम पहले ही से जो है आई कैन आई विल पे, एकदम बिल्कुल एकदम इसको दिमाग में बैठा लो, अपने मन को एकदम समझा लो कि भैया आई कैन और आई विल, इसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत लोगों को जो है सभी लोगों ने बता दिया भाई यस सर, सब कुछ सही है, ऑडिबल सर, विजिबल सर, सब दिख रहा है सर, सब सुनाई दे रहा है, तो जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, चलो, तो कल मेरे ख्याल से जो 25 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे थे, 25 क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए थे, तो कई लोगों को आइडिया लग गया होगा कि पीछे जो 6 दिन आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो 7वें दिन आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपने क्या उसमें से क्या आपने रिटेन कर रखा है। ठीक है, और देखो उससे एक फ़ायदा और हो जाता है आपका, वो कहते हैं ना रिवाइज करने वाला जो सिस्टम है वो रिवाइज कहीं ना कहीं हो जाता, तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, हम इंस्पिरेशनल कोटेशंस, इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज देखेंगे, करंट अफेयर, फिर स्टैटिक जीके, फिर MCQ पे आते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में जो है आपके सामने एक आपके सामने कोटेशन आया है जिसपे लिखा हुआ है कि गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। देखो कितनी बढ़िया से राइम करते हुए जो है ना, राइम करते हुए ये चीज आपको बता दी गई कि भैया देखो कि जैसे एक डिग्री होती है ना पूरी, कि एक गुड है, एक बेटर है, एक बेस्ट है, तो डिग्री जो बन रही, तो वो इसमें यही कह रहा है कि भैया देखो जब तक आपका गुड बेटर नहीं हो जाता और आप बेटर को बेस्ट नहीं कर लेते, यहाँ पे देखो, ठीक है, बेटर को बेस्ट नहीं कर लेते, तब तक जो है ना आप रेस्ट मत करना, ठीक है, और उस पर मेहनत करते रहना। ठीक है, तो ये देखो इसको शॉर्ट में कहिए तो ये क्या कह रहा है, ये वही बात कह रहा है ना, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करने की बात ये कह रहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट वाली जो बात हम लोग कहते हैं, ये वही बात ये इसने दोबारा उसने कह दी है, बस लाइनें बदल गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को चीजें याद होगी, बिल्कुल एकदम जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री वाली बात ही है। तो डिग्री चाहे कुछ भी हो, इस पूरी डिग्री का मतलब बस इतना है कि आप अपने आप को जो है निपुण बनाएं, बार 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 उस चीज़ का अभ्यास करें, करत करत अभ्यास वाला जो केस है ना, तो वही वाली चीज़ है, तो आप अभ्यास करते रहें। चलिए आगे देखते हैं, आज अगर कोई दिवस मनाने को कहा जाए तो आज लोग मनाएंगे इंटरनेशनल बायोडीजल डे। अब बायोडीजल क्या होता है, देखो आप लोगों ने जेट्रोफा और कई सारे ऐसे प्लांट का नाम सुना था, आपको मालूम है लगभग 1893 के आसपास, ठीक है, 1800 सेंचुरी में एक व्यक्ति हुआ करते, तो उन्होंने जानते हो कि पीनट जो होती है ना, पीनट, ये मूंगफली, इससे इन्होंने तेल निकाल के उस तेल का यूज़ करके गाड़ी चलाई थी। और उस वक्त उन्होंने एक लाइन कहा था कि देखो आने वाले समय में जो ना, जो ये खाने वाले तेल है ना, ये गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, तो ये रिसर्च बहुत पहले हो चुका था, तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर पेट्रोल डीजल खेलते खेलते इतनी हालत बुरी हो गई कि अब फिर से बायोडीजल की बात होना शुरू हो गया, लोग जो है वो सोलर एनर्जी और इधर उधर जाना शुरू कर दिए और बायोडीजल की बात शुरू हो गई। ठीक है, तो क्योंकि
क्योंकि देखो व्हीकल जो है ना, चाहे पैसेंजर हो चाहे कॉमर्शियल व्हीकल, उनको चलाना तो आपकी मजबूरी है। इसीलिए आप देखो 2030 2030 तक जो है ना, सभी देशों ने टारगेट बना रखा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और इसका नतीजा आप देखो कि देश में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में प्रचार कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी आ रही है, ठीक है। तो याद रखें कि कहीं ना कहीं जो है जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये एग्जॉस्ट होने वाले कैटेगरी में आना शुरू हो चुके हैं, और इनको रिप्लेस करने के लिए हमें अलग टेक्नोलॉजी, अलग चीज़ें चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसी में से बायोडीजल भी एक है, ठीक है, बायोडीजल भी एक है। तो आज जो हम लोग मना रहे हैं बायोडीजल डे मना रहे हैं, तो मना लो भाई बायोडीजल डे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, करंट अफेयर सेक्शन में आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने काफ़ी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं, चलो इसको भी ऐड कर लिया जाएगा हम लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को एक साथ। चलिए जल्दी से सेशन में न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये पहली जो न्यूज़ है, पहली जो खबर है आपके सामने, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1,00,000 करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है भाई, 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो तुरंत यहाँ से दिमाग हम लोग क्या लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर लिखा है तो पक्का ये कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखो ये पैसा इसलिए बनाया गया, ये फंड इसलिए बनाया गया, इस फंड से किसको मदद आप करोगे, तो इस फंड से मदद की जाएगी एग्री एंटरप्रेन्योर। देखो एग्री एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो लोग बिजनेस करने में, देखो जो लोग बिजनेस करने में लगे हुए हैं और उनका बिजनेस किससे संबंधित है, कृषि या कृषि से संबंधित चीज़ों से इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी उद्यमी हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड का मतलब एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी ये काम कर रहा हो, कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, यानी ये एलिजिबल हैं क्या करने के लिए, यहाँ से फाइनेंस लेने के लिए, ठीक है। ये जो 1,00,000 करोड़ है ना, ये 1,00,000 करोड़ किसको दिया जाएगा, कौन इसमें से पैसा ले पाएगा, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से कौन पैसा ले पाएगा, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर ले पाएंगे, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी जो कई कंपनियाँ खुली हुई हैं, ठीक है, तो उनको मदद मिल सकती है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी जो लोग देते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते होगे ना कई जगह के खेतों में जो है, वहाँ पे जो जैसे नॉर्मल खेतों में क्या होता है, आप पंप सेट लगा के रखते हैं, ट्यूबवेल लगा के रखते हैं, उससे आप पानी पहुँचाते हैं। लेकिन जब यही खेती किसानी एडवांस होती है ना, तो लोग जानते हो क्या करते हैं, लोग पाइप बिछवा देते हैं, स्प्रिंकलर लगवा देते हैं, जैसे गार्डन सींचा जाता है ना बगीचा, वैसे ही वो स्प्रिंकलर लगवा देते हैं खेतों में, और फिर उसके थ्रू जो है वो इरिगेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आती है, ट्रैक्टर में पीछे कई चीज़ें लगती है ना, वो सब बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, ये सब एग्रीकल्चरल टेक प्लेयर कही जाती हैं, ठीक है। तो इनका इनको भी ये लोन, इस लोन के लिए, यहाँ से लोन के लिए ये भी एलिजिबल होंगे। जो फार्मर ग्रुप है, किसानों का जो समूह है, ठीक है, उनको, उनके लिए भी मिल जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कटाई हो गई, फिर उसके बाद जो अब उसमें से जो आपने खेती किसानी में जो भी अब कटाई करने के बाद जब फसल आप लेकर पहुँचे, तो उसमें से फिर आप उसके दाने एक्सट्रैक्ट करोगे, दाने एक्सट्रैक्ट करोगे, जो बाकी का हिस्सा है वो अलग करोगे, तो ये सब जो प्रोसेस होता है, फिर उसको पैक करना, फिर उसको बाजार तक पहुँचाना, ये सब जो प्रोसेस होता है, इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों को एलिजिबल माना जाएगा, किसके लिए, जो कि वो इसके थ्रू जो है पैसा प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं। ये 1,00,000 करोड़ जो खोला गया है, जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस लिए है, वैसे भी आप यहाँ से समझ लो, एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो सभी चीज़ें जो उस कृषि को करने के लिए बनाई या लगाई जाती हैं, ठीक है। पंप सेट से लेके, ट्यूबवेल से लेके, थ्रेसर मशीन जो होती है ना, थ्रेसर से लेके जो पीछे लगते हैं, बाकी ट्रैक्टर के पीछे जो अटैचमेंट्स लगते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल कर दो, ठीक है। क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अब देखो दूसरा जो आपके सामने एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ छोटा सा अपॉइंटमेंट वाला न्यूज़ है, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी, उनका नाम है लंका डी सिल्वा,
अब आप समझ ही गए होंगे होंगे कहाँ के ये, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका में आप जाओगे ना, तो ऐसे डी सिल्वा टाइप के लोग बहुत मिलेंगे, लंका डी सिल्वा, धनंजय डी सिल्वा, अरविंद डी सिल्वा, ठीक है, दुनिया भर के मतलब डी सिल्वा टाइप के लोग बनेंगे। और क्रिकेट में भी डी सिल्वा बहुत हैं, ठीक है, तो याद रखना। ये लंका डी सिल्वा जो है ये पहले विकेट कीपर हुआ करते थे श्रीलंका में, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है क्या हेड कोच के रूप में, किसका, जो लंकन क्रिकेट टीम है उसके ये हेड कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। लंका की बात करेंगे, देखो पहले तो इनका पूरा नाम जान लो। देखो इनका नाम है संजीवा कुमारा लंका डी सिल्वा, ठीक है, ये नाम है इनका, संजीवा कुमारा लंका डी सिल्वा, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है पुराने कोच को जिनका नाम था जीवंता काला तुंगा, ठीक है, जीवंता काला तुंगा, नाम नोट कर लेना इनका, ठीक है। तो इनको इन्होंने रिप्लेस किया, किसने, संजीवा कुमारा, ठीक है, लंका डी सिल्वा, ठीक। अब जैसे श्रीलंका की बात की है, तो एक चीज़ तो आपको याद होगा कि वहाँ पे जो है दो भाई जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है, तो ये वाली बात तो आपको याद ही होगी। चलिए थोड़ा सा लंका के बारे में देख भी लें। देखो श्रीलंका की जब भी आप बात करोगे तो वहाँ पे पहले कोलंबो राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब जो राजधानी वो क्या है, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, ठीक है, ये राजधानी है वहाँ की, ठीक है। कोलंबो जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल राजधानी के रूप में देखी जाती है उसको, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मतलब जो बाकी से, देखो एक तो हो गया जो हमारे नेताजी लोगों से कंसर्न है जो लॉ मेकर कहे जाते हैं ना, तो वो श्रीवर्धने जयपुरे श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे जो है उसको राजधानी मानी जाती है, वहीं पे जो है नियम कानून वाले सभी कार्यक्रम होते हैं। बाकी जो अलग से जो बॉडी है जैसे जज साहब और ये पुलिस और इम्प्लीमेंटेशन वाली बॉडी, ये लोग जो है ये कोलंबो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल अगर आपसे कोई पूछे तो ये जो श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे है इसको आप कैपिटल के रूप में वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ देखो स्टार मार्क बना हुआ ना, ये स्टार मार्क बना हुआ, ये श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे है, क्लियर है इतनी बातें। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो ये एडम ब्रिज है, ठीक है, इसको एडम ब्रिज कहते हैं अंग्रेज, लेकिन हम लोग जो है इसको क्या किस रूप में जानते हैं जल्दी से बताओ, श्री राम सेतु, ठीक है, इसको श्री राम सेतु कहा जाता है। तो इसको जैसे मतलब एडम ब्रिज के नाम से जो है इसको एडम ब्रिज रख दिया गया है, इसका नाम रखा गया, दुनिया में इसको एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि जब जब हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में जब राम जी जो है लंका पे चढ़ाई करने गए थे, तो उस वक्त जो है यही उनके पास दो इंजीनियर हुआ करते थे, नल और नील, उन दोनों ने मिलके जो है ना यहाँ पे ऐसी ब्रिज बनाई जो कि ब्रिज आज भी दिख रहा है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो पत्थर लगाए गए थे वो तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सही है, पोरस जो है स्टोन्स होते हैं वो अभी भी तैरते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एयर पॉकेट्स होती है ना, तो वो इसलिए डूबते नहीं, ठीक। तो ये उसके थ्रू जो है ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैकाडिव सी, ठीक है, लैकाडिव सी यहाँ बगल में आपको यहाँ दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको मालूम है कि ये पूरा आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में आता है, ठीक है, भारत का ये पड़ोसी है, समुद्री पड़ोसी है, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे अब हम लोग देख लें, आगे यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट इज गोड बाया राज, यहाँ पे गोड बाया राजपक्षा, एंड द प्राइम मिनिस्टर हियर इज महिंदा राजपक्षा, ठीक है। और करेंसी यहाँ यूज होती है लंका, श्रीलंकन रूपी, ठीक है, तो रूपी यहाँ भी यूज होता है, बस आगे थोड़ा सा श्रीलंकन लगा लेना, क्लियर हो गया, ठीक, बिल्कुल। नल नील जो थे वहाँ पे, ठीक। एयर पॉकेट का क्या मतलब है, देखो जैसे एयर पॉकेट का मतलब जानते हो क्या होता है, जो पत्थर है ना उसमें एयर ट्रैप्स हो जाती है, हवा जो है ना वो हवा ट्रैप हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप समझो वो बैलून की तरह काम करने लगता है, छोटे छोटे कई जगह जो है ना वो हवा ट्रैप हो जाती, तो वो बैलून की तरह काम करने लगता है और फिर वो पानी के नीचे डूबता नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो अगली जो न्यूज़ है आपको दिख रही है, दैट इज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट हैज़ साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट है उसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसने साइन किया हुआ, ठीक है। अब इसको ODOP के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, ठीक है, ठीक है, ODOP के बारे में आप थोड़ा सा जान लो यहाँ पे, ठीक है। ODOP की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखो उसका पूरा डिटेल ही यहाँ पे आपके लिए हमने रखा हुआ है,
ठीक है, ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश की, कोई ना कोई वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट पे यूनिक प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट को जो है वो हम लोग मार्केट करेंगे, ये कहने की कहा गया था किसके द्वारा, जो CM साहब हैं, ठीक है, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ द्वारा, इनके फ्यूचरिस्टिक प्लान में ये चीज़ रखी गई थी। तो इसमें जो है फ्लिपकार्ट ने अब ये कह दिया कि चलो ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे उसको हम अपने वेबसाइट, अपने ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जो है हम उसको सेल करने के लिए वहाँ पे लगा देंगे, ये उन्होंने कहा गया, ये जो है फ्लिपकार्ट ने कहा। तो यही वो MOU जो साइन हुआ है ये इसी बारे में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो गोल क्या है, जो ODOP है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भाई हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट जो ऐसे वहाँ पे मिल रहा है उस प्रोडक्ट को अगर हम बनाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा, क्यों बना रहे, देखो एम्प्लॉयमेंट हो जनरेट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 25 लाख लोगों को जो है अगले आने वाले 5 साल में एम्प्लॉयमेंट देने के ये एक ये माध्यम बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर ये भी बताया जा रहा है, ये भी सरकार ने कहा कि हम 25,000 करोड़ का जो है ऐसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है हम 25,000 करोड़ इसमें पैसे लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो एम हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसा मतलब क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है, ताकि जो लोकल जो कला है ना, जो संस्कृति है लोकल जो प्रोडक्ट वाली, वो कहीं भी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। कई देखो आप देखते हो कई लोकल जगहों पे कई कुछ लोकल चीज़ें बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चूड़ियाँ, कुछ इलाके में जो है चूड़ियाँ बनती है, कुछ इलाके में जो साड़ी बनती है, जैसे बनारसी साड़ी की आप बात कर लो, ठीक है। तो ऐसी कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें बनती हैं जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या एरिया के लिए बहुत फेमस मानी जाती हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर भी उनका बहुत मतलब फेमस चीज़ होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, क्योंकि उस प्रोडक्ट को हम मार्केट नहीं करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोगों तक नहीं ले जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो जो बनाने वाला आदमी है ना, क्योंकि पैसा आता नहीं, आय का स्रोत जब बढ़ेगा नहीं तो वो डिमोरलाइज होकर कहता है छोड़ो इससे, ठीक है, अब ये चीज़ जो है ज़्यादा बिजनेस हमें नहीं देने वाली, रोजी रोटी नहीं देने, तो वो डिमोरलाइज होकर उस काम को छोड़ देता है और वो एक पूरी कला, एक पूरी संस्कृति जो है वो विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसी यूनिक चीज़ों को हम लोग उठाएंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे और उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये इनका यहाँ पे कहना है ODOP का, ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देख लो, अगर आगे हम लोग देखें तो ये इनकम लोगों का बढ़ाएगा, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, उनकी स्किल को एनहांस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट इन आर्टिस्टिक वे, मतलब अगर सेल के लिए जा रहा तो उस प्रोडक्ट को और थोड़ा सा कैसे पैकेज करना है, कैसे उसको सजाना है, कौन सा रंग उसको देना है, ये सब जो है उसमें इन्हांस किया जाएगा, ठीक है। और टूरिज्म से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि टूरिस्ट जब आएंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ यहाँ बनती है, तो वो लोग वहाँ विजिट करने जाएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, ये वहाँ पे आइडिया लगाया गया। और जो जो इशू है कि मान लो अगर हम कहें लखनऊ में, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा लोग रईस लोग मिल जाएंगे आपको, गाजियाबाद साइड चले जाओगे तो वहाँ ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको दिखने लगे। तो ये जो डिफरेंस है इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आई होप ये बच्चों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेशन को बच्चों शेयर जरूर करते रहना और बहुत ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। ध्यान से क्यों सुनते रहो कि देखो अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम की बात की है, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो है ना वो इकट्ठा करके लाया हूँ, ठीक है, वन वन लाइनर लाया हूँ, एक बार पढ़ दूंगा आपको, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और PDF क्योंकि मिलेगी ही तो आपके पास जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो है आज तक का ऑलमोस्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी क्लास में जो है किसी स्टेट का करंट अफेयर इतना इकट्ठा करके रख दूंगा, वो रख लेना, तो वो आपके काम आएगा, ठीक है, वो आपके काम आएगा। आज बारी जो है वो उत्तर प्रदेश की आ गई। चलो ये देखो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में सबसे पहले क्या है, एकदम रिवर्स ऑर्डर में मैंने ये सब उठाया हुआ है हर जगह से। देखिए 23rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 वॉज हेल्ड इन इंद्र प्रतिष्ठान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल यहाँ पे 23वां एडिशन जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू शॉर्टलिस्ट माइग्रेंट फॉर सिटीजनशिप। माइग्रेंट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो ये CAA हुआ था ना, CAA वाला आपने सुना था ना, CAA कि जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी सिटीजन जो हैं
जितने भी लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे आसपास के देशों में, वो लोग जब भारत में आएंगे तो उनको हम नागरिकता देंगे, ठीक है। तो उसके तहत जो सबसे पहला कार्यक्रम चालू कर दिया ये करना, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट ने शुरू किया था, ठीक है। जो सेकेंड फेज है इंद्रधनुष मिशन, आपको मालूम है, जो बच्चों को पकड़ पकड़ के जो सुई लगाई जा रही, मतलब वैक्सीनेशन वाला जो योजना है, ठीक है, उसको इंद्रधनुष कहा जाता है, मिशन इंद्रधनुष उसको कहा जाता है। उसमें जो है BCG के टीके, पोलियो वाले खुराक पिलाना, ये सब उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो उसकी जो दूसरा फेज है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहदरपुर और खेरी वीरान, ठीक है, ये बनेंगे क्या, ये बनेंगे आदर्श खेल ग्राम, यानी फर्स्ट मॉडल विलेज विलेज इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्पोर्ट्स मतलब खेल आदर्श ग्राम उत्तर प्रदेश में बनेगा, और बहादुर और खेरी वीरान, ठीक है, ये जो गांव हैं ये उसमें सबसे पहले आएंगे, ठीक है। एकदम नोट करते चले। अच्छा, मैं आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से अपने आप को मिस्टर इंडिया कर लूँ, ठीक है। चलिए, ये हुआ मैं स्क्रीन से मिस्टर इंडिया, चलो अब ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, एकदम ध्यान से देख लो, एक एक लाइन बच्चों एकदम ध्यान से देख लो, पूरी लाइनें जो है आपके समझ में आएंगी, पूरी लाइनें काम आएंगी। और जितने भी उत्तर प्रदेश वाले इस समय एग्ज़ाम है ना, ठीक है, आप पूछते हो ना सर करंट अफेयर कैसे आएगा, करंट अफेयर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश में क्या पूछेगा, देखो ये पूरी संभावना ये होती है कि इसको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये करंट अफेयर है, इसको ये लोग पूछ सकते हैं, पूरी संभावना इसकी होती है, इसलिए इसको एकदम पढ़ लेना, ठीक है। यूपी पुलिस, UPSI वगैरह का एग्ज़ाम जब आप देते हो ना, तो करंट अफेयर भी कभी कभी उठा देता थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी उठा देता है, ठीक। क्लियर हो गया, पढ़ लीजिए। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है इंडियाज फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल टू बी सेटअप इन मेरठ। समझ में आ गई बात, एनिमल के लिए जानवरों का वॉर मेमोरियल, मतलब युद्ध में आपने देखा होगा कि कई घोड़ों ने कुर्बानी दी है, स्पेशल डॉग स्क्वाड बनाए जाते हैं युद्ध के लिए, ठीक है, उनके लिए, उनकी भी उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा, ठीक है। UPSRTC की बात करें, मतलब उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश वाली बसें हैं, सरकारी बसें, उन्होंने लॉन्च किया था एक दामिनी हेल्पलाइन नंबर, ये वुमेन के लिए था, ठीक है, दामिनी हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत होती है ट्रैवल करने में या ट्रैवल करते वक्त, तो कुछ नहीं था, वो लोग धीरे से इस पर कॉन्ट्रैक्ट करते, फिर सामने से जो सेवा देने वाले लोग जो रहे ना वो तुरंत आ जाते, और जो दिक्कत की वजह थी उसको तुरंत कहते ना टांग ले जाते, ठीक है, और पूरी कानूनी कार्रवाई एकदम विधिवत तरीके से होती, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया था दामिनी हेल्पलाइन, ठीक है। और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था भैया कि वो 121 एकड़ में एक जू बनाई जाएगी गोरखपुर में, जिसका नाम होगा अशफाक उल्ला, याद रखना ये गोरखपुर में बनाई जाएगी, ठीक है, जिसका नाम होगा शहीद अशफाक उल्ला खान जू, ठीक है। तो ये जू बनाया जाएगा 121 एकड़ में, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। चलो अगला देख लो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंप्लीमेंट मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, ये स्टेट के लिए उन्होंने लगा दिया, जो कृषक है यानी एग्रीकल्चरल हमारे लोग हैं, ठीक है, उनके लिए लगाया गया दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक। साथ ही साथ नीति आयोग का जो इंस्पिरेशनल एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है ना, उसमें चंदौली जिला जो है, कितने लोग चंदौली के हैं भाई, चंदौली जिला जो है ना वो टॉप कर गया था, ठीक है, दिसंबर 2019 में, ठीक है। तो चंदौली जिला के कितने लोग हैं भाई, मुबारक हो, आपका जिला जो है 2019 में वो टॉप कर गया था, ठीक है। यहाँ देखिए, एक फेमस उर्दू पॉइंट हुआ करते थे अजमल सुल्तानपुरी साहब, सुल्तानपुर आपको मालूम है ना, सुल्तानपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अजमल सुल्तानपुरी साहब का निधन हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश के ओबीचुरी में ये आपके लिए आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और थोड़ी सी न्यूज है इसके इससे संबंधित। अब यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 इन पावर डिपार्टमेंट, मतलब जानते हो क्या है ये, मतलब ये है कि मान लो मेरा मीटर खराब हो गया, हमने जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टाल मटोल करता रहा, ठीक है। तो अब ये हो गया कि एक आप टाइम बताओगे कितने दिन में आप सही कर लोगे, ठीक है, मान लो 7 days या जो भी, और उतने दिनों में नहीं सही करोगे ना तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है, हर्जाना देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है जी। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई।
चलिए अब अगला देख लो यहाँ पे, ग्राउंड वाटर एक्ट जो है उत्तर प्रदेश ने बनाया, ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्ट बनाया गया, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ग्राउंड वाटर को अगर प्रदूषित करता पाया गया तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, ठीक है। ऑपरेशन नकैल जो है इन्होंने शुरू किया था गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में, ताकि क्राइम को और कम किया जाए। जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह को उन्होंने मार्क कर दिया था, हर ऑटो रिक्शा को जो है मार्क कर दिया था गया था, और उसको जो है एक कुछ सर्टेन गाइडलाइन, सिक्योरिटी के गाइडलाइन दिए गए थे ताकि जो क्राइम है उसको और कम किया जा सके। तो ऑपरेशन नकैल जो है वो गाजियाबाद रीजन में उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया था। एक ओबिचुरी और हुई थी, गिरिराज किशोर जी की ओबिचुरी हुई थी, ये भी पॉइंट हुआ करते थे, ठीक है, पद्मश्री अवार्डी, इनका भी निधन हो गया था। साथ ही साथ जेवार एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है ना वो उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो वो पहला स्टेट है जिसने रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी पब्लिक ऑर्डिनेंस लाया था, मतलब अगर दंगे के दौरान आप किसी भी सरकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर आपसे वसूला जाएगा, ठीक है, फिर आपके आपसे वसूला जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट भी हुआ और लोगों ने जो है इसको जमा भी किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड 19। जब कोविड 19 शुरू हुआ ना तो एकदम जो पहले क्या होता था कि एक एक इंडिविजुअल टेस्टिंग, कहीं लक्षण दिखे टेस्टिंग, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है घर घर जो है अपनी टीमें भेज के जो है ना सबका हालचाल ले रहा है और सबकी जांच करा रहा है, ठीक है, सबकी जांच करा रहा है। तो ये यहाँ पे पूल टेस्टिंग जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। ये पहला स्टेट बना जिसने कम्युनिटी किचन जो होती है ना, जो कम्युनिटी किचन बनाई जाती है जहाँ से मतलब राशन वगैरह जो है पहुँचाए जाते हैं अगर एरिया में फूडिंग की प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, उसको जियो टैगिंग उसकी कर दी, ठीक है, कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग कर दी। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट हुए उत्तर प्रदेश में, ये पहला राज्य बन गया, ठीक है। देखो ये फर्स्ट स्टेट बनता जा रहा है इसीलिए ये सब न्यूज आती जा रही है। फिर देखो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस आयुष कवच कोविड ऐप, तो एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे जिसका नाम था आयुष कवच कोविड ऐप, ठीक है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रवासी राहत मित्रा ऐप लॉन्च किया था, किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए। देखो ये सब ताजा सभी न्यूज है ना, न्यूज पसंद आई उत्तर प्रदेश वाली, ताजा न्यूज है। जब तक आपके आगे के एग्जाम आएंगे तब तक और ऐसे ही न्यूज लेता आऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके 3 से 6 महीने कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस रेगुलर आप पढ़ाई पे अपने आप को लगे रहो, टेंशन लेने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। चलो एक बार देख लो, जरा सा पढ़ लो आप लोग। एमपी का भी आएगा वीरेंद्र, आप टेंशन ना लो। देखो ऐसे ही जो है ना, एक बार मैंने कर्नाटका का लाया था बहुत पहले, एमपी का भी हमने लाया था बहुत पहले लाया था, ठीक है, आप रेगुलर शो को देखते रहो, ठीक है। और जिस दिन आपके काम वाला करंट अफेयर निकल जाए ना तो उस पर बकायदा जब फाइल सेव करना ना तो उस पर लिख देना कि इसमें एमपी का करंट अफेयर है, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आप जो है आप उसको पढ़ पाओगे। ये वाली जब फाइल आपको मिलेगी बच्चों को तो आप लोग इस पे जरूर लिख देना ब्रैकेट उसमें नाम के नीचे जो है ना सेव करते हुए लिख देना यूपी करंट अफेयर, ठीक है, यूपीसीए लिख देना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और भी ढेर सारी न्यूज़ कवर करनी है और क्वेश्चन आंसर भी करना है, ठीक है। चलिए अब देखो काजू खा लो थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, काजू खा लो तुम लोग। अवधेश पटेल मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर दुर्घटना कल्याण योजना मतलब क्या होता है। देखो ये कृषि कार्यों में लिप्त कोई भी व्यक्ति है और किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा हो जाता है, ठीक है, तो उससे दुर्घटना घटित होती है तो वहाँ पे जो है यहाँ उस व्यक्ति की मदद के लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है। आप देख ही सकते हो कि कई लोग वर्किंग में रहते हैं, कृषि वगैरह में हादसे बहुत होते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको हेल्प आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। गुड्डू कह रहे हैं टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा, अभी गुड्डू आपको टेलीग्राम जो है दे दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, अभी आपको टेलीग्राम जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा पढ़ लो अभी, ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेट कर लो आप लोग पढ़ाई पे तो फिर आगे की चीज़ें हम बताते हैं। देखो ये काजू खा लो आप लोग पहले तो सुबह सुबह अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ केस्यू रिसर्च DCR इन कर्नाटका हैज लॉन्च केस्यू इंडिया ऐप, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि जो एक रिसर्च के लिए बनाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ केस्यू रिसर्च, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, केस्यू ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पे जो है जो लोग इससे संबंधित लोग हैं ना अपने प्रोडक्ट को उस पर दिखा सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, बेचने के लिए उसको कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके लिए ये बनाया गया ऐप, ठीक है।
कैसी यूनिट जो है वो आराम से सब पूरे दुनिया में, भारत में हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये है, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। पहली बार जो रिसर्च है काजू पे वो भारत में 1950 में स्टार्ट किया गया था। फिर एज अ रिजल्ट जो है, देखो ये जो कैसीनट वाला जो डायरेक्टरेट है ये ICAR के अंदर आता है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो ये DCR बनाया गया कब, 23 मार्च 2009 में बनाया गया, पुत्तूर कर्नाटका, पुत्तूर एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे बनाया गया, ठीक है। और एम गंगाधारा नायक साहब जो हैं इसके डायरेक्टर, मतलब एक्टिंग डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर कोई नहीं है अभी, एक्टिंग डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर का भी कार्यभार ये संभाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आप कर लो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये 16 जुलाई 1929 में बनी थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ICAR के 101 इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ केसू रिसर्च भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, ICAR के अंदर ही ये आता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं डाली है, ठीक है, जितना आपके काम का है उतना डाला हुआ। सबसे ज़्यादा याद रखना, देखो जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग पूछते हैं उसकी राजधानी कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम लोगों के पास जवाब आता है मुंबई में है, दिल्ली में है, बड़े बड़े शहरों का नाम आता है। यहाँ पे देखिए पुत्तूर सिटी मेरे ख्याल से बहुत लोग पहली बार सुने होंगे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये चर्चा में आया है तो पक्का जो है स्टेटिक अगर क्वेश्चन बन गया ना हेडक्वार्टर का, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ठीक है। एकदम देखो काजू की पूरी तस्वीर डाल दिए हैं काजल, एकदम काजू की पूरी तस्वीर डाल दिए, खा जाओ पूरा ये, ठीक है। तो ये आपके लिए था, ठीक है। चलिए तो ये इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, ये पूरी लाइन देखो, यहाँ से ICAR के बारे में डिटेल आपके पास है और यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च है उसके बारे में ये इतना डिटेल आपके सामने है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना। और ये नाम याद रखना, कैस्यू ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, कैस्यू ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ कैस्यू रिसर्च द्वारा, कहाँ पे है, पुत्तूर कर्नाटका में, ठीक है। पवित्रा जैना पूछ रहे हैं सर व्हाट इज ICAR, मतलब ICAR क्या है, देखो ICAR का नाम ही खुद ही बता रहा है ये क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब खेती किसानी संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं ना वो रिसर्च ये करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये कुछ बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं सर क्या ये आएगा, ठीक है, क्या ये आएगा, ठीक है, तो ये बच्चों का पूछना है। देखो बच्चों ये सवाल हर वो उस जगह आ सकता है जहाँ जहाँ आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए तैयार रहना। और कर्नाटका का कोई स्टेट लेवल का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होगे बच्चों, तो वो कर्नाटका वाले बच्चे जो है वो पक्का इसको याद कर लो, ठीक है, ये 100% आपका एक नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, CDSL के बारे में थोड़ा सा जान लें, यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहा गया है। देखो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा शुरू में कि ये क्या है, ठीक है। प्रतीक जो है अभी भी विनोद के साथ घूम रहे हैं, विनोद का साथ छोड़ दो प्रतीक, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है कि लीडिंग डिपोजिटरीज डिपोजिटरी CDSL हैज रिसीव क्लियरेंस फ्रॉम UDAI टू कैरी आउट EKYC ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार। अब ये पूरी डायलॉग तो पढ़ लिया बच्चों ने, लेकिन सब जो है कहते हैं ना ऊपर से उड़ गया होगा, ठीक है, ऊपर से उड़ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख पाओ तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे वापस आ जाता हूँ, ठीक है, और न्यूज आप लोग देख लें। देखो ये जो न्यूज़ है आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है डिपोजिटरी ना, तो देखो शॉर्ट में मैं बता दूँ, ये जो CDSL आपके सामने दिख रहा ना, इसको आप समझो गोदाम, ठीक है, गोदाम समझो, किस चीज़ का गोदाम होगा, जो आपके शेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, शेयर वगैरह होते हैं वो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं, इसी CDSL में रखे जाते हैं, और एक है NSDL, ठीक है, इन्हीं जगहों पे वो शेयर वगैरह जो है वो स्टोर किए जाते हैं, समझ गए। तो ये किस चीज़ का गोदाम है या किस चीज़ का बैंक है, ये समझ लो एक ऐसा गोदाम या ऐसा बैंक है जहाँ पे पैसे की जगह क्या रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर वगैरह स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया CDSL क्या है सबको, ठीक है, CDSL क्या है ये आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपको CDSL के बारे में दिख रहा है, दूसरी एक बॉडी दिख रही है UIDAI, फिर तीसरी बात कह रहा आधार, ठीक है। तो आधार में आपको मालूम है 12 डिजिट का ये नंबर होता है। तो ये देखिए CDSL क्या कह रहा है कि भैया उसने कहा UIDAI जो है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जो आधार आपको इशू करती है। तो CDSL मतलब सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो CDSL ने कहा कि भैया ऐसा है ना कि हमको अपने जो आपके पास डेटाबेस हमको लिंक कर दो, ताकि हम जो लोग हमारे संस्था से जुड़ते हैं ना, जो लोग जो है शेयर वगैरह का काम करते हैं, उनका जो जब वो आधार अपने आईडी प्रूफ के रूप में आधार हमारे पास जमा करेंगे, तो हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या ये आधार वैलिड है कि नहीं, ठीक है। यानी EKYC, ठीक है, EKYC हम करेंगे, ठीक है, नो योर कस्टमर वाला केस, ठीक है। तो EKYC हम कर लेंगे, हम पता कर लेंगे कि हाँ इसका आधार नंबर सही है, यानी ये इसका गांव है, ये इसका जिला है, ये इसका स्टेट है और ये इसका आधार नंबर है। तो ये KYC के लिए उनको परमिशन मिल गया। अब देखो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये भारत सरकार ने इसको बनाया था 28 जनवरी 2009 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इस यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ना कोई अभी अथॉरिटी नहीं है, यानी जो चेयरमैन वाली पोस्ट है वो वैकेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ देखो, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1999 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और नेहल बोरा साहब जो है इसके MD और CEO हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को, नेहल बोरा साहब जो हैं वो MD और CEO हैं, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें सबको। ये सबको क्लियर हो गया कि भैया ये CDSL जो है वो क्या है, ठीक है, CDSL क्या है, ये एक ऐसा बैंक है या आप कहो एक ऐसा गोदाम है जहां पे क्या रखा जाता है, शेयर बॉन्ड डिवेंचर जो है वहां पे रखे जाते हैं। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके जब आप अपने मोबाइल के थ्रू मोबाइल में मान लो अपने बैंक के ऐप में जब आप जाते हो तो वहां पे पैसे दिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं ना, तो वो पैसे उस पर्टिकुलर बैंक के ऐप में दिखते हैं आपको। जैसे वैसे ही CDSL, NSDL ये सब जो संस्थाएं होती है ना, जब आप शेयर खरीदोगे बेचोगे वगैरह तो आपका शेयर कहीं तो रखा जाएगा, तो वो यही गोदाम होते हैं वो, ठीक है, यही वो डिपोजिटरी होते हैं। इसीलिए इनका नाम देखो ना क्या है, डिपोजिटरी, देखो डिपोजिट से आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, डिपोजिटरी। क्लियर हो गई बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एकदम स्मार्ट एंड हैंडसम हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ठीक है, तो ये राजनाथ सिंह जी ने क्या अनाउंस किया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि भारत जो है ना 101 डिफेंस इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया, जैसे लग रहा है मतलब जैसे नहीं चंदा दे रहे हो कि 101 रुपया जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं टाइप्स, तो 101 रुपया मतलब 101 डिफेंस इक्विपमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया, इंपोर्ट, नहीं खरीदेंगे बाहर से, अब देश में ही बनेगा, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और डिफेंस का चीजें हम लोग भारत के अंदर ही बनाएंगे, हम विदेश से नहीं मंगाएंगे, ठीक है, ये वाली बात इन्होंने कह दी। इतनी बातें क्लियर हो गई। मयंक भटनागर कह रहे हैं व्हाट इज NSDL, NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, और वो वही चीज है जो CDSL है, ठीक है, CDSL जो काम करता है वही NSDL भी काम करता है। क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू राजेश कुमार सिंह, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लें, हाँ बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के बारे में आपने देख लिया, ठीक। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया कि भाई 101 रक्षा उपकरण जो है बाहर से नहीं मंगाएंगे, ठीक है। अब देखो जो ये इन्होंने बैन लगाया ना इंपोर्ट पे, ठीक है, ये जो रोक लगाई है इसको एक वर्ड और कहते हैं एम्बार्गो वर्ड से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्बार्गो वर्ड भी डिनोट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जिन चीज़ों को रोका गया है ना, वो कहा गया कि भाई आर्टिलरी गन जो बोफोर्स वगैरह देखते हो ना, ये तोपे, इन सबको भी बैन कर दिया, किसी भी टाइप का बंदूक जो है असॉल्ट राइफल उनको बंद कर दिया गया। कॉर्वेट जानते क्या होता है, ये नावें होती हैं जो समंदर में दौड़ा लगाती, बहुत तेजी से दौड़ा लगाती हैं और गश्ती की नावें होती हैं, तो इनको भी अब भारत में ही बनाया जा रहा है। सोनार सिस्टम भारत में बनाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ना, C-17 जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये सब और चिनुक जो आपने देखा होगा, ठीक है, चिनुक, ये सब जो है ना ये अब भारत में बनाए जाएंगे, बाहर से हम कहीं से खरीद के नहीं लाएंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, ठीक है। एक तरफ तो पहले ही सब कुछ खरीद के जो है अपनी जो डिफेंस लाइन है उसको मजबूत कर लिया, अब उस पर मैक्सिमम चीज़ों को बंद कर दिया कि अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम भारत में डेवलप करेंगे, तो बढ़िया है ना, एक टाइम मिल गया हमारे पास डिफेंस की चीज़ें, हम अब तैयार भी हैं, ठीक।
अब बाकी बाहर से खरीदने की चीजें भी नहीं। अब इसको देखो ये तुरंत नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा कि आज इनके मुंह से निकला कल ही से जो है एकदम बॉर्डर पे जो है गेट लगा देंगे, नहीं भैया तुम बंदूक लेके नहीं आ सकते, ठीक है ऐसा नहीं है। इसको स्लोली स्लोली इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2020 से शुरू करके 2024 तक भारत को जो है ना डिफेंस में भी आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा, ठीक है ये कोशिश की जा रही है। अब देखो इसका बहुत से फायदा है, अगर हम लोग देखें सबसे बड़ा फायदा तो ये है इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपको जो है ना पैसे जो है आपके देश से बाहर नहीं जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अपने देश में बनाओगे तो जितने भी लोग ऐसे कार्य में लिप्त हैं इससे संबंधित हैं वो सब जो है वो इसमें लग सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे देश की कंपनियां मजबूत होंगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि जब हम यही चीजें जो है ना बेचने लगेंगे, ठीक है क्यों, क्योंकि देखो भारत के बाद जितने भी देश हैं वो सब लोग ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट वो खरीदते रहते हैं, ठीक है। तो आप सोचो 209 कंट्रीज ऑलमोस्ट हैं जिसमें से 10 से 20 देश ऐसे हैं जो इन सब मामलों में बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो उनको ये रक्षा इक्विपमेंट जो है हम लोग बेच सकते हैं भविष्य में, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, जरा सा मैं देख लूँ बच्चे कुछ बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्टडी बादल, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि पहले ही हम लोग ये चीज़ें खरीद के ऑलरेडी व्यवस्था आगे की कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो रफेल, जब जो 36 रफेल्स आ जाएंगे हमारे पास तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आगे आने वाली, जैसे पिछली बार जब मिग खरीदे गए थे तो 30 साल का गैप रखा गया था, रफेल्स जब आ जाएंगे तो हम और तेजस हम लोग बना ही रहे हैं, ठीक है तेजस हम लोग बना ही रहे हैं और इस पे बाकी एरोप्लेन्स पे रिसर्च चल रहा है, तो ऐसी कई चीज़ें हम लोग खरीद चुके हैं। जैसे ये बफोर का तोप हमारे पास आ गया, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, बाकी हमारे पास यूज़ के लिए है, हमारे पास ठीक है यूज़ के लिए हमारे पास है, बंदूक हम लोग ऑलरेडी बना ही रहे हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सेना के पास जो बंदूकें जा रही हैं ना वो DRDO के द्वारा जो बनाए गए हैं वो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बाकी हथियार और चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी, अब जो जखीरा कहते हैं ना वो भर लिया गया है, उसके बाद ये फैसला किया गया है, ठीक है। तो इससे हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बिल्कुल बिपिन रावत साहब जो है वो CDS हैं, बिल्कुल CDS बनाए गए हैं, बिल्कुल सही कुलदीप कुमार वर्मा जी, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये 5 साल का जो ये गैप ले लिया गया है इसमें जो है हमारे देश में जो है उसको आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस समय बहुत सा आप देख रहे होंगे कि देसीकरण पे बहुत ही मतलब जोर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चेहरा आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ये डिफेंडर हुआ करते थे, ठीक है, डिफेंडर हुआ करते थे, मोहन बगान में कैप्टन हुआ करते थे, इनका नाम है मणितोम्बी सिंह जी का जो है वो निधन हो गया, ठीक है, मणितोम्बी सिंह का जो निधन हो गया, ये उनकी इमेज है। अगर हम बात करें मोहन बगान की, तो हाल ही आप मोहन बगान के बारे में हाल ही में आपने सुना होगा कि मोहन बगान का जो इसके बारे में जो है टाइम स्क्वायर पे जो बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं ना एडवर्टीजमेंट के लिए, वहां पे इसको डिस्प्ले किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि फुटबॉल का मैच हुआ था 1911 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है, उसमें जो है ना नंगे पांव खेल के भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रिटिश रेजिमेंट को हरा दिया था, ठीक है। और ये इतिहास में इस चीज़ को उन लोगों ने मतलब एक तरीके से इतना सम्मान इस चीज़ को मिला कि जो दिवस है ना 29 जुलाई उसको मनाया जाता है मोहन बगान डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये दिन जो है मोहन बगान डे के रूप में मनाया जाता है। और टाइम स्क्वायर ने मोहन बगान का लोगो जो है वो उसने डिस्प्ले किया था इसी सम्मान में, ठीक है, इसी सम्मान में। तो आप समझो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपके देश में कोई एक चीज़ हो रही है, कोई इवेंट हुआ है या हो रहा है, और उसको वो कोई देश स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर उसको प्रदर्शित करता है तो आप समझिए वो मान रहा है कि हाँ भाई तुमने ये जो काम किया बहुत अच्छा। जैसे कई बार नहीं आप सुनते हो कि दुबई जो ये क्या कहते हैं कौन सा टावर है जो बड़ा वाला एक जो जहाँ पे सऊदी अरबिया में एक टावर बहुत सा बड़ा सा क्या नाम दिया गया उसका, बुर्ज खलीफा, ठीक है, कई बार आप देखते हो कि उस पे जो है वो लाइटिंग के थ्रू कई चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती हैं अलग अलग देशों के वगैरह वगैरह। तो ये प्रोजेक्शन जो होता है ना जो दूसरे देश करते हैं, ये तो ऐसे हो गया ना कि आपने कोई काम किया और आपके आपसे संबंधित तस्वीर जो है हम अपने घर या मोहल्ले में लगाएं, ठीक है, तो ये सम्मान वाली चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है।
चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फाउंड कब हुआ था, मोहन बगान 1889 में, बहुत पुराना है। एंटोनियो लोपेज हबास जो है इसके कोच हैं, और कोलकाता में जो है इसका जो सिटिंग या लोकेशन या जो आप कहो एक तरीके से हेडक्वार्टर जो है इसका कोलकाता में। क्लियर हो गया, ये ओबिचुरी की न्यूज़ है, नोट कर लो सभी बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया ओबिचुरी की न्यूज़, क्लियर हो गया। देखो सेशन लाइक सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। ठीक है, मैं भूल गया आज लाइक के लिए तुम लोग को रिक्वेस्ट नहीं कर पाया, तो ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सेशन पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और जो लोग बच्चे जो नए लोग हैं ना, वो आप लोग एक काम करना, आप लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और एक जो टेलीग्राम के बारे में आप पूछ रहे, तो सभी बच्चों को बता दें अपना टेलीग्राम आप खोलना, उसमें सर्च में जाना और वहाँ पर लिखना @धीरज, ठीक है, DHEERAJ धीरज 1882 1882। ये जब आप लिखोगे तो एक टेलीग्राम चैनल आपके सामने आएगा, उस पर लिखा होगा करंट अफेयर बाय धीरज सर, स्मार्ट से एक बंदे का फोटो लगा होगा, वो मैं रहूँगा। ठीक है, तो आप उसको जो है क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना @धीरज 1882। ठीक है, अभी मौका मिलेगा तो मैं इस जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आपके आपको लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, PDF जो है इसकी वो आपको सेशन के बाद शो के नीचे लगभग एक घंटे के टाइम के अंदर जो है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, बहुत अच्छी बात है एकदम। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये जो आपको चेहरा दिख रहा है ये पटियाला के जो है, पटियाला स्टेट के जो है ये महाराज हुआ करते थे यादविंदर सिंह। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, पंजाब जो क्रिकेट एसोसिएशन है ना, वो एक नया स्टेडियम बना रहा है। ठीक है, नया स्टेडियम बना रहा है कहाँ पे, मूलनपुर में। ठीक है, अब देखो ये नाम जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे मोहाली वाला क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस होता है ना, ऐसे ही स्टेडियम भी याद आते हैं। ठीक है, तो मूलनपुर में एक स्टेडियम बना रहा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, अब उसने ये कहा कि जो पटियाला के जो महाराज हुआ करते थे, जो लास्ट महाराज हुआ करते थे महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है, इनके नाम से इसका जो है नाम रख दिया जाएगा। और ऐसे नहीं है कि अवै इनका नाम रख दिया जा रहा है, देखो ये जो महाराज हैं हमारे, इन्होंने भी टेस्ट मैच खेला हुआ था भारत के लिए 1934 में, मतलब ये खिलाड़ी थे, क्रिकेट के रिलेटेड थे, इसलिए इनका नाम वहाँ पर रखा जा रहा है। बात समझ में आ रही, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो शांतनु आपने 1881 लिखा है, 1882 लिखेंगे उसको, ठीक है, 1882 लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग जल्दी से, आगे अगला न्यूज़ आपके सामने जो है, देखो ये एवर रेडी गिव मी रेड, ये ऐड तो बहुत देखे होंगे, अभी इसके बारे में थोड़ी कहानी भी बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा हो सकता है सरप्राइज हो जाओ। ठीक है, देखो पहले तो आप न्यूज़ समझ लो क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडसइंड बैंक हैज़ एक्वायर्ड 7.82%, मतलब 7.8, मतलब ये अगर एवर रेडी का इतना बड़ा केक है ना, इस केक को जब बांटोगे कई टुकड़े में तो छोटा सा एक टुकड़ा है 7.8%, इतना का मालिक अब कौन हो गया, इतने का मालिक हो गया इंडसइंड बैंक, ये कहने का मतलब है, मतलब हिस्सेदारी इतने के जो है ये क्या बन गए, इतने के हिस्सा किसको मिल गया, इतने का हिस्सा मिल गया इंडसइंड बैंक, उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने कहा कि भैया 7.82% का हम मालिक हो गए। ठीक है, तो एवरेडी आपको आप लोग मालूम ही है, ये बैटरी बनाती है। ठीक है, जो बैटरी होता है ना, सेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो बनाती है। ठीक है, क्यों इन्होंने लिया ये भी जान लो, एवरेडी ने पैसा लिया हुआ था किससे, इंडसइंड बैंक से। ठीक है, तो जैसे वो याद है माँ लाला और कंगन वाली कहानी याद है, तो यहाँ पे देखो माँ ने क्या किया था, माँ ने लाला के पास क्या रखा था, अपना कंगन गिरवी रख दिया था, सोने का। ठीक है, कंगन गिरवी रख दिया था टू वेयर टू द लाला। ठीक है, मदर इंडिया मूवी नाम आपने देखा, तो देखो यहाँ पे माँ कौन हो गया, यहाँ पे माँ हो गई एवरेडी। ठीक है, एवरेडी क्या हो गई, वो माँ हो गई। ठीक है, कंगन के नाम पे यहाँ पे क्या रखा था उन्होंने, शेयर गिरवी रखा था। ठीक है, और यहाँ पे लाला कौन हो गए, हमारे इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो हुआ क्या, समय पे जो है ना ये जो एवरेडी है वो पैसा नहीं दे पाए, लोन जो है उनका डिफॉल्ट हो गया, इसलिए इंडसइंड बैंक जो है उसने कहा कि अब ये शेयर क्या हो गए, अब ये शेयर मेरे हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, देखो प्लेज, प्लेज का मतलब होता है ना, देखो प्लेज कब कहेंगे, देखो एक वर्ड होता है मॉर्गेज, मॉर्गेज एक वर्ड होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है प्लेज, ध्यान से बहुत सुनना, एकदम टेक्निकल है एकदम ये। ठीक है, और एक होता है हाइपोथिकेशन। ठीक है, हाइपोथिकेशन, अगर आप अपनी गाड़ी जितने भी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो देखोगे तो उस पर अगर आपने लोन पे लिया होगा तो हाइपोथिकेशन वर्ड लिखा होगा। ठीक है,
अगर आप कोई चीज किसी के पास गिरवी रखते हो तो प्लेज वर्ड हम लोग कहते हैं, ठीक है, वहां पे सामान मतलब उस आदमी के पास रख दिया। मॉर्गेज क्या होता है ना, ये घर वगैरह के लिए जो अगर आप पेपर घर के कागजात गिरवी रखते हैं तो मॉर्गेज यूज करते हैं। देखो फर्क क्या है, जब आप मॉर्गेज करोगे तो प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी, मतलब आपका जो भी एसेट है ना वो आप ही के पास रहेगा, बस उसका जो कागज है वो जो है दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। ये नॉन मूवेबल होते हैं, इमूवेबल जिसको कहते हैं, जो अपनी जगह से हट ना सके, ठीक है, इमूवेबल, इमूवेबल होगा। अगर मूवेबल हो जाएगा तो हाइपोथिकेशन वर्ड वहां पे आ जाता है, ठीक है। प्लेज में क्या होता है कि वो चीज जो एसेट है वो आप लोन देने वाले के पास रख देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां ने अपने कंगन लाला के पास गिरवी रख दिए। क्लियर हो गया, ठीक है, एमसीक्यू बिल्कुल होगा किरण कुमारी, टेंशन ना लो, पहले पढ़ लो तभी तो नंबर पाओगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे देखो इसके बारे में हम लोग बात करें। एवरेडी कंपनी जो है ना वो 1994 में बनी थी, एसपी हिंदुजा ने जो है इसको बनाया था, यानी हिंदुजा ग्रुप का ये पार्ट है, ठीक है। पुणे में हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ कौन है इसके, सुमंत कटपलिया, ठीक है, सुमंत कटपलिया इसके एमडी और सीईओ है। अब देखो कहानी जो मैं बता रहा था, ये फॉर्मूला देखो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद आ रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको याद आ रहा हो, ठीक है। देखिए एवरेडी कंपनी जो था ना, इससे पहले जो इसके मालिक हुआ करते थे, इसके पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 1905 में जो बनी थी और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हुआ करता था, ठीक है। और 1939 में जो है पहला ये बैटरी प्लान इन्होंने बनाया था एवरेडी ने, ठीक है। 1984 में जब यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड जब एक कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, उस कंपनी में एक हादसा हुआ था, पेस्टिसाइड प्लांट था उसका भोपाल में 1984, जिसको आप भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हो, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों को जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से उनको प्रभावित किया था, जिसमें इमीडिएट बेस पे जो है जैसे ही गैस का रिसाव शुरू हुआ इमीडिएट बेस पे 3000 लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पे, फिर धीरे धीरे चलते हुए जो है ये आंकड़ा बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जो गैस था वो मिथाइल आइसोसाइनेट था, उस वक्त जो यूसीसी के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो थे वॉरेन एंडरसन, जिनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केसेस लगाए थे गए थे, फिर बाद में कंपनी ने हर्जाना भी वो चुकाया, ठीक है। तो ये चीज थी, ये कहानी इसके इतिहास से संबंधित, हालांकि इसमें जो है एवरेडी ने बाद में जाके इसको खरीदा था 1994 में। यूसीसी जो कंपनी हुआ करती थी जिसमें यह हादसा घटित हुआ था ना, उसने अपने शेयर जो है बेच दिए किसको, यूसीआईएल के, ठीक है, मतलब यूसीआईएल को बेच दिए, ठीक है। और फिर ये जो है एवरेडी इंडस्ट्री के पास ये शेयर जो है ये फाइनली आ गए, ठीक है। और बाद में जो है डाउ जोन्स कंपनी जो है ना, डाउ जोन्स कंपनी ने 2001 में यूसीसी को भी खरीद लिया, ठीक है। तो ये एक इतिहास में कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। एवरेडी ने जिस कंपनी को खरीदा उसका नाम पहले यूनियन कार्बाइड हुआ करता था और वहां पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। गैस का नाम बार बार एग्जाम ने पूछता है, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये आपसे जरूर पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको याद दिला दें, ठीक है। क्लियर हो गई, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छे बच्चों ने, बच्चों जो है वो पढ़ाई पे लगे हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अविचल, अविचल तिवारी का रिक्वेस्ट है, सर यूपी, सर यूपी स्पेशल जैसे विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर विच, वो भी लाइए, बिल्कुल देखो उसकी भी व्यवस्था एकदम कर दी जाएगी, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था एकदम कर दी जाएगी। आप लोग सेशन बस देखते रहो, सेशन शेयर करते रहो, लोगों को जोड़ते रहो, ठीक है। और खास तौर पे उन बच्चों को जरूर जोड़ना जिनके पास कोई माध्यम नहीं हो, ठीक है, जिनके पास कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब मान लो सभी आप देखोगे संस्थानें सभी बंद हैं और वो संस्थानें तब तक नहीं खुल सकती जब तक ये कोविड 19 का ये चक्कर नहीं खत्म हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो वैकेंसी आ रही है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है और आप लोग जो है खुद भी पढ़ो और ऐसे लोगों को भी जोड़ो, ठीक है। चलो एक कंपनी देख लो, जेसीबी तो आप लोग जानते होगे ना, ये फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा। कई बार जो है जब ये मशीन काम करती है ना तो लोग जैसे मेला देखा जाता है वैसे खड़े होकर देखते, अच्छा देखो देखो मिट्टी निकाल रहा, ठीक है। तो ऐसा भी टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो जेसीबी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने दीपक सेट्टी साहब जो ये दिख रहे हैं ना मुस्कुराते हुए यहाँ पे, दीपक सेट्टी साहब को जो है उनको डिप्टी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट का न्यूज है। जेसीबी के बारे में जान लो, 1945 में बनी थी, जोसेफ सिरिल बम्फोर्ड, ठीक है, जोसेफ सिरिल बम्फोर्ड, समझ में आ रहा, जे
सीबी, ठीक है, जोसेफ जोसेफ सीरिल बैम्फोर्ड जो है इसके फाउंडर हुआ करते थे, ठीक है। रोकेस्टर इंग्लैंड में ये जो है इसका हेडक्वार्टर है, एंटोनी बैम्फोर्ड चेयरमैन है और जो बैम्फोर्ड जो है वो इसके सीईओ हैं। क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख ले। जुवेंटस हैव अपॉइंटेड एंड्रियास पिरलो, ठीक है, एज अ कोच, ठीक है, तो ये कोच के रूप में आ गए हैं, ठीक है। जुवेंटस एक टीम है, ठीक है, उसके कोच के रूप में कौन आ गए, एंड्रियास पिरलो जो है वो इसके कोच बन गए, कितने, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, ठीक। जुवेंटस जो है 1897 में आया था, फुटबॉल का ये फुटबॉल क्लब है, ठीक है। ओनर कौन है, एग्नेली फैमिली जो है इसकी ओनर है, चेयरमैन एंड्रिया एग्नेली हैं इसके, ठीक है। हेड कोच कौन बन गया, एंड्रियो पिरलो। क्लियर हो गई इतनी बातें, चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए एक और आपके सामने ओबिचुरी है, डैट इज़ एक प्रोफेसर है, थिएटर डायरेक्टर है, ठीक है, पीतम बरला रजनी, ठीक है, इनका निधन हो गया कोरोना वायरस से, ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में, ठीक है, तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्या थे, ये प्रोफेसर थे और थिएटर डायरेक्टर थे, ठीक है। बाकी आप लोगों को मालूम है कि कौन सा कोड कहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, चलिए ये आपके सामने चीज़ें आपको दिख रही हैं। चलिए तो जल्दी से हम लोग स्टैटिक का पार्ट देख लेते हैं। स्टैटिक का पार्ट आपको मालूम है, हम लोग जो है बार बार उस चीज़ को जो है आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप याद कर लो, ठीक है। तो स्टैटिक वाला जो पार्ट है आपको जो पीडीएफ में अवेलेबल होगा उसको एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेना। हम लोग जल्दी से भागते हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए हम लोग एमसीक्यू के सेक्शन पे आते हैं। एमसीक्यू के सेक्शन आते ही मैं हो जाता हूँ गायब, और मैं गायब होने का मतलब ये है कि आप लोग 20 सेकंड का टाइम आपको मैं दूंगा और 20 सेकंड में आप लोग जो है सवाल का जवाब देंगे। सभी बच्चे तैयार हो गए, तैयार हो जाओ, जब सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत तेज़ी से सवाल पूछूंगा, ठीक है। न्यूज़ बिल्कुल, न्यूज़ आज ढेर सारी थी क्योंकि जो है ना ज़्यादा न्यूज़ हमको कवर करना पड़ा, सैटरडे संडे और फिर जाके जो है मंडे मॉर्निंग सभी न्यूज़ को कवर कर लिया, ठीक है। चलो एकदम पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी, जल्दी से ग्रुप में यस सर डालो, मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। पहला सवाल आपके सामने है बच्चों, ये लो, पहला सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही आसान सा सवाल है, 20 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ और 20 सेकंड का मैंने टाइमर भी लगा लिया यहाँ पे, चलो जल्दी से जवाब देना शुरू करो, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, जल्दी से जवाब देना आप लोग शुरू करो। मेरा टाइमर हो गया है स्टार्ट यहाँ पे, 20 सेकंड फॉर यू, ठीक है, 20 सेकंड फॉर यू, 20 सेकंड हैव स्टार्टेड, ठीक है, 20 सेकंड हैव स्टार्टेड, 20 सेकंड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड आपका शुरू हो गया, जल्दी से जवाब दीजिए व्हाट इज़ द आंसर। और देखिए यहाँ पे जो है आंसर आपका है, मैं बता देता हूँ, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, आई एम रेडी, और ये आंसर भी आना शुरू हो गया, मतलब आंसर सबको मालूम है यार, सबको आंसर जो है यहाँ पे मालूम है, चलो बहुत अच्छी बात है, आंसर यहाँ पे सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए तो आंसर क्लियर है, यानी आंसर जो है यहाँ पे सी है, यानी प्रदीप कुमार जोशी हैं। साथ ही साथ बाकी लोग जो हैं उनके बारे में अभी आप जान लो, लेकिन एक चीज़ और जान लेना कि यूपीएससी के बारे में आप जान लो। यूपीएससी क्या है, 1926 में बना हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कमीशन एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रदीप कुमार जोशी, भारत सरकार के तहत आता है। आपको मालूम है मनोज सिन्हा जी गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के, जी सी मुर्मू साहब सीएजी हो गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बाकी सुमित देव और अनुराग जो श्रीवास्तव हैं उनके बारे में भी जान लें। यहाँ पे देखिए सुमित देव क्या है, NMDC के ये अभी CMD अपॉइंट हुए, ये कुछ दिनों पहले की बात है। अनुराग श्रीवास्तव साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, ठीक है। तो ये आपके सामने बाकी लोगों के बारे में जानकारी हो गई, बिल्कुल। चलिए आगे देख लो, अगला सवाल आपके सामने है, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किसी ने लाया है, और सवाल आपके लिए बस इतना सा है कि भैया ये बताओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो किसने लाया है। 20 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताना शुरू करें, 20 सेकंड ही टाइम दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। फिर से सवाल मैं बता देता हूं आपको क्या है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाया है किसी ने, ठीक है, पता नहीं राज्य है कि यूनियन टेरिटरी है, ये हमको नहीं मालूम, ये आप लोग बताओगे, तो बताओ भैया वो कौन है, ठीक है। 20 सेकंड ऑलमोस्ट आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से बताएं। चलो यहाँ पे बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, जवाब देना शुरू हो गया, सभी लोग जवाब देना शुरू कर दिए, वेरी गुड। 20 सेकंड का टाइम है बच्चों, 20 सेकंड और 20 सेकंड में जवाब आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, 20 सेकंड में जवाब आपका आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप लोगों का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी एक्टिव, वेरी गुड, ठीक है।
चलिए जवाब यहाँ पे क्योंकि आना शुरू हो गया तो मैं बता देता हूँ। देखो आंसर है दिल्ली, न्यू दिल्ली ने लाया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब देखो इसके तहत क्या है, उन्होंने कहा कि भैया जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाओगे ना तो 1.5 लाख का तुमको छूट देंगे हम, और साथ ही साथ मतलब कार टाइप की चीज़ें खरीदोगे, लेकिन अगर मोटरसाइकिल ई रिक्शा ऐसी टाइप की चीज़ें खरीदोगे ना तो हम आपको 30,000 रुपये का जो है छूट देंगे। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जब इनका टारगेट क्यों है, क्यों ये पैसा देना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो अभी जो है ना हमारी टोटल जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें 0.2% इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हम चाह रहे हैं इसको जो है 25% बढ़ा दें, कब तक 2024, यानी दिल्ली में ये चाह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी है वो चाह रहे हैं कि 25% गाड़ियाँ ऐसी हों कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रही हों। याद रखो 2030 का एक टारगेट बनाया है पूरे विश्व ने कि वो धीरे धीरे जितने भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ उनको ये हटा देंगे रास्ते से, ठीक है, इसको ये हटा देंगे रास्ते से, तो ये मतलब रास्ते से मतलब सड़क से हटा देंगे, वो फिल्मी वाला डायलॉग नहीं है, सड़क से मतलब इसको हटा देंगे, अब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही। चलो अगला सवाल आपके सामने है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए अभी मैंने एक कुछ देखा बहुत तेज़ी से आंसर आ रहा था, उसमें किसी ने लिखा था कि आई एम इन इंडियन आर्मी, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, तो भाई स्वागत है, और सबसे ज़्यादा जो है हम लोग बहुत आपको जो है धन्यवाद कहते हैं और बहुत ही हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप जो है देश राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से एकदम लगे हुए हैं और हमारे लिए जो है अपनी रातें जो है आप कुर्बान करते हैं, ठीक है। तो स्वागत है आपका शो पे, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि भारतीय सेना से लोग संबंधित लोग भी जो है हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपके सामने यहाँ पे है कि सीआरपीएफ के जो है इंस्पेक्टर जनरल कौन बन गए, जल्दी से जवाब दो भाई। अच्छा चलो आंसर आना शुरू हो गया, बच्चों ने आंसर देना शुरू किया, मतलब पढ़ाई हो रही बहुत जम के, ठीक है। यहाँ पे पीएस रानिस पे साहब जो हैं यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन में आप लोग आए वो बता दूँ, क्योंकि ये जो नाम है ना, देखो ये पीएस रानिस पे एंड पीसी कंडपाल, ये नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो टेंशन ना लो। देखो यहाँ पे डॉक्टर आलोक मिश्रा को आपको मालूम है ये MFIN के CEO बन गए, SBI जनरल इंश्योरेंस में PC कंडपाल साहब बने, ठीक है। PC कंडपाल साहब कहाँ गए, SBI गए, ठीक है। BCCI में हेमंग अमीन साहब को इंटरिम CEO बनाया गया था, और यूनियन UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राजकिरण राय साहब जो थे उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला, और आपको याद ही होगा कि SEBI के हेड को भी एक्सटेंशन मिला है ना 18 महीने का, ठीक। चलो अगला सवाल आपके सामने है, इंडिया विल टेक पार्ट इन मल्टी लेटरल मिलिट्री रशियन काज 2020 स्ट्रेटेजी कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, टू बी हेल्ड इन विच सिटी। अब देखो ये एक एक्सरसाइज हो रहा है भारत और मतलब रशिया एक एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, रशियन कावाकास 2020। अब इसमें भारत भी शामिल होगा, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है कि ये होगा कहाँ पे, तो ऑप्शन आपके सामने देखो क्या क्या है, अस्तरखान रशिया, मॉस्को रशिया, न्यू दिल्ली इंडिया, चेन्नई इंडिया, ठीक है, आगरा इंडिया, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है, इस जहाँ पर ये एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। राजेश कुमार जी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे जो होगा वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल की जगह जो है डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है। तो राजेश जी यहाँ पे जो आप बता रहे हो देखते हैं ज़रा सा, चलिए जल्दी से सवाल का तब तक आप लोग जवाब दे दें, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, देखिए वो IG ही हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ही हैं, ठीक है। जब आप बात करोगे डायरेक्टर जनरल की, ठीक है, तो वो फिर DG साहब जो हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, DG साहब नहीं चेंज हुए, ठीक है। ये जो आपके थे क्या कहते हैं हम जो न्यूली अपॉइंटेड आपके PS रानिस्पे साहब हैं, ठीक है, तो ये उड़ीसा कैडर के हुआ करते थे, ठीक। चलिए चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से जवाब आपने दे दिया, AP महेश्वरी साहब आपको मालूम ही है जो कि DG हैं, ठीक है, जल्दी से जवाब दे दो। चलो ये आंसर आपके सामने आ गया, एक नंबर है अस्तरखान, ठीक है, यहाँ पे अस्तराखान जगह है रशिया में जहाँ पे ये कार्यक्रम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं कि
एक युद्ध अभ्यास की बात करें तो जो जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उसका पूरा लिस्ट हमने आपको दे दिया, इसको जरूर पढ़ जाना। जैसे अजय वॉरियर है जो फरवरी में हुआ था, एक जो है जो टल गया बहुत, मतलब होना चाहिए था जो मान रहा हूँ मिलान 2020, अगर ये हो जाता ना, ठीक है, इसको टाल दिया गया नहीं, अगर ये हो गया होता तो मतलब कई देश जो है ना अपने आप से चुप्पी साध लेते। मतलब 30 देशों के नेवल फोर्सेस को बुलाया गया था जिसमें से बड़े बड़े देश यहाँ पे शामिल हो रहे। आप सोचो इतना बड़ा ये वो एक फेस्टिवल टाइप का होता कि देखने वाले जो होते हैं ना एकदम उनका दिमाग जो है ना एकदम बंद हो गया होता, ठीक है। तो ये होना चाहिए था मिलान वाला जो एक प्लान बनाया गया था, ठीक है, 42 है एक्चुअली, ठीक है, 30 लोग तो कह दिए थे हम आएंगे, तो 42 देशों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ कन्फर्म डैट ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप डैट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19 इट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2022, ठीक है। तो जो ये होना था एग्जामिनेशन क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि भाई जो वर्ल्ड कप हम करने वाले थे T20 वाला उसको हमने जो है टाल दिया है। टाल दिया कहाँ, टाल दिया और कहाँ पे ये होगा सवाल आपके लिए है। उन्होंने कहा कि भाई 2022 को हम करेंगे और जो है कहाँ पे करेंगे ये उन्होंने बताया था, वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई सवाल, आपको फिर से बता दूं कि ICC मेन 2020 जो T20 जो होना है वो वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे होगा, किस देश में होगा ये पूछा गया है। क्या ये भारत में होगा, इंग्लैंड में होगा, बांग्लादेश में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा या ऑस्ट्रेलिया में है। जल्दी से इसका जवाब देने, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। याद रखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2022, ठीक है, 2022 में होना है, कहाँ पे होना है। अब जवाब दो सब लोग, चलिए जवाब आना शुरू हो गया। बहुत लोग जो है वो मेरे ख्याल से अभी जो है अभी वो शायद ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या मैंने पूछा है, 2022 यहाँ पे पूछा है, इसके हिसाब से जवाब देना, ठीक है। चलिए जवाब आना शुरू हो गया, कुछ लोगों ने आंसर अपने इम्प्रूव कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जवाब है, ठीक है। 2021 में इंडिया में वो किया गया था, ठीक, सब टाला ही जा रहा है, ठीक है, टाला जा रहा है। 2020 को टाला गया 21 में, 21 को टाले 22 में, क्योंकि कोरोना ऐसा है ही, क्या करोगे भाई, ठीक है। चलिए T20 के बारे में देख लो, T20 के बारे में यहाँ पे डिटेल आपके सामने हमने शेयर कर दिया है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट किया गया था, पहला एडिशन हुआ था, 2016 में आखिरी वाला हुआ था, नेक्स्ट एडिशन 2021 का प्लान हुआ था, लेकिन ये कब हो गया, 2022 में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 16 टीमें होती हैं, पिछले जो चैंपियन थे वो कौन थे, वेस्ट इंडीज़ थे। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें कौन है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीत चुकी है। सबसे ज़्यादा रन बनाया था महिला जयवर्धने ने, और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पे ली थी, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया का डिटेल शेयर करते हुए यहाँ कार्तिक बंसल कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला सवाल ये है कि विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड एज पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ठीक है। 2020 एक फ्यूचर ब्रांड कंपनी है, उसने एक इंडेक्स निकाली, उसने बताया कि देखो ब्रांड जो हम लोग नहीं कहते ब्रांडेड सामान, ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये ब्रांड जो है ना ब्रांड जो है यहाँ पे बताया गया कि टॉप ब्रांड्स कौन है, ठीक है। तो ये आपके सामने नाम है, बताओ सबसे ज़्यादा टॉप ब्रांड कौन है। तो यहाँ पे आपको एक बता दे, देखो ये ब्रांड वर्ड जो आप समझते हो ना, देखो क्या है, एक ट्राइब हुआ करता था, ठीक है, एक ट्राइब हुआ करता था शायद ये अफ्रीकन कंट्री में, इफ़ आई एम राइट। वो ट्राइब जानते हो, देखो ब्रांड वर्ड कहाँ से है, वो ट्राइब जो है ना जब पार्टी मनाते थे ना वो लोग, तो जिस जानवर को एक्चुअली भेड़ हुआ करती थी, तो जिस जानवर को उनको पार्टी के लिए जो जिसको वो उसको जो फूड के रूप, अपना देश महान, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताते रहें, बिल्कुल बताते रहें, ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए सभी 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 लोग तरह हैं, सभी लोग बताते रहे, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है। तो चलो बच्चों मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल आंसर कहाँ है या क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 5 नंबर जो है इसका आंसर है, 5 नंबर इसका आंसर है। और 5 नंबर आंसर क्यों है इसलिए भी बता दें आपको। देखिए यहाँ सर इसलिए है क्योंकि जो कंपनी, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है, ये जो फ्यूचर ब्रांड कंपनी है, इस फ्यूचर ब्रांड कंपनी ने जो इंडेक्स बनाया, जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो उस लिस्ट में अगर आप दे, तो उस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे,
चलिए ये देख रहे होंगे आप लोग, फ्यूचर ब्रांड कंपनी डाली थी, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर ब्रांड कंपनी है, इसने लिस्ट जब निकाली तो उस लिस्ट में उसने दिखाया, देखो एप्पल नंबर वन पे था, नंबर टू पे रिलायंस, नंबर थ्री पे सैमसंग आया, एनवीडिया जो है नंबर फोर पे आया, ठीक है, और नंबर फाइव पे माउताई कंपनी आई, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में मैंने आपके लिए लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, रिफ्रेश कर लो, ठीक है, चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलिए ये हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, आपको ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, एकदम पार्टिसिपेट करते रहिएगा, बिल्कुल जो है सेशन जो है बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सूरज ठाकुर, ये विनोद वाला केस हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा जो है इंटरनेट इशू आ चुका होगा लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं बिल्कुल। चलिए बिल्कुल एकदम से आप लोग देख लें, इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैंने सही जो है हमने रीचेक कर लिया है, और अब शायद यहाँ पे बफरिंग नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ भाई, आ गया कि नहीं, चलिए जल्दी से बताइए भाई, आ गया कि नहीं आया। चलो बताते रहो, एकदम आंसर देते रहो सेशन में, एकदम लाइक शेयर एकदम करते रहें, कोई टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलो तो ये आपके सामने सेशन आपके सामने मौजूद है, आई होप थिंग्स आर गोइंग टू यू राइट नाउ, ठीक है। ओ एच ई के बारे में बता रहा था, पहले आंसर बता दूं, देखो आंसर है इसका दो नंबर, और जो एच ई की हम लोग बात करें, भारत ने इसको लाया है, ठीक है, भारत ने इसको लाया है, और रियल टाइम जानकारियां पहुंचेंगी। तो जैसे होता है ना, जितने लोग भी इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जितने लोग भी इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये लोग इससे जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत उसको फिक्स किया जाएगा। देखो ना इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग का यूज़ किया जाएगा, जो लोग भी पटरी कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, ठीक है, ये तुरंत इमेज खींच के भेज देंगे वहाँ पे, तो इसका सोल्यूशन भी तुरंत आ जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आ जाएगा इस पे जो है उसका सोल्यूशन लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ पे किया गया है। चलिए अगले उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गूगल के साथ किसी राष्ट्र ने, किसी राज्य ने भारत में हाथ मिलाया, उसने कहा कि भैया देखो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में आप थोड़ी सी हमारी जो है मदद करो, ये बात उन्होंने कहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में हमारी मदद करें, ये वाली बात जो है इन्होंने बताई यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं भाई कौन सा राज्य है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं, एकदम आपके सामने पांच ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, पांचों ऑप्शन में से अगर आप देखोगे, में से अगर आप देखोगे तो देखिए केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। जल्दी से बताओ इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है, आंसर कौन सा है जल्दी से बता दो। अच्छा कुछ लोग जो है आंसर तुरंत देना शुरू करें, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हैं, चार नंबर आंसर है, बिल्कुल सही, चार नंबर ही आंसर था। चलिए अगला सवाल यह है कि नेशनल हैंडलूम डे जो है छठ कब मनाया गया, तो एक तारीख को मनाया गया, तीन तारीख को मनाया गया, सात तारीख को मनाया गया, पाँच तारीख को मनाया गया या चार तारीख को मनाया गया, ये पाँच ऑप्शन आपके सामने है। और नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया, ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा तो मैंने जो राष्ट्र शब्द यूज़ किया वहीं से आपने जोड़ लिया, ठीक है, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए वेरी गुड, दैट इज़ ऑल्सो कहते हैं ना स्मार्टनेस, ठीक है, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लोग जो है सेशन शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, सेशन शेयर भी कर रहे हैं, बहुत पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों जो है यहाँ पे आंसर दे दीजिए आप लोग कि हम लोग नेशनल हैंडलूम डे कब मनाए थे, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाए थे हम लोग, और नेशनल हैंडलूम डे अगर हम लोगों ने मनाया था, ठीक है, तो वो तारीख तो याद ही होगी ना। चलो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आने शुरू हो गए सभी लोगों का, ठीक है, चलिए साथ 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 सब लोग कह रहे हैं, देखो ये रहा तीन नंबर आंसर है आपका, दो तारीख को हमने फ्रेंडशिप डे मनाया था, ठीक है, और छः तारीख को हिरोशिमा में बम गिरा था उसका जो है मेमोरियल मनाया था हम लोगों ने, और नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सात तारीख को मनाया था, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अमेजिंग अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, अद्भुत अयोध्या यानी, ठीक है, तो उसके लेखिका या लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस हैं, निरुपमा यादव यहाँ पे है पहला ऑप्शन, ठीक है, लेखिका है विजय कुमार यादव लेखक है, बलदेव सिंह है, नीना राय लेखिका और अमीश त्रिपाठी एक लेखक है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई आंसर कौन सा है इसका, ठीक है, जल्दी से बताओ है, और जल्दी से जो है हम लोग
चलिए बहुत अच्छी बात, आंसर यहाँ आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों ने जो है आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ बच्चों का जवाब जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल आपके आंसर जो हैं बिल्कुल देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये रहा आपका सही जवाब, और सही जवाब है 4 नंबर, यानी नीना रॉय।